आप तो बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए अदा करना चाहेंगे। इस बेहद अहम खबर से मुतालिक तफसीलात आपसे लेते रहेंगे। बुरहानपुर में पंचायती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं, यहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। लोकतंत्र के महापौर त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत हो गई है। बुरहानपुर जिले में हम इस वक्त मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत में मौजूद है, जहां सुबह से ही लोगों के वोट डालने की कतार लगी हुई, चाहे महिला चाहे बुजुर्ग या युवा, सभी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। हम आपको बता दें, बुरहानपुर जिले में पहले चरण में मतदान हो रहा है, जिसमें आज 2,11,477 मतदाता अपने 6 जिला पंचायत सदस्य, 25 जनपद सदस्य और 77 ग्राम पंचायतों के 1381 पंचों को के लिए वोट करेंगे। हम आपको बता दें, अभी पहले चरण में 355 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 45 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। और हम आपको बता दें कि मतदान का समय सुबह 7 से 3 बजे तक रहेगा। तो ये गांव की सरकार का चुनाव है। न्यूज़ 18 एमपी भी आपसे अपील करता है कि आप अधिक से अधिक वोट करें और अपने प्रतिनिधियों को चुनें। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। और आसाम से खबर है, जहां सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। बराक वैली और नौगाम जिला सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। नौगाम में 5 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हैं। रहा इलाके में 155 गांव के तकरीबन 1.5 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हैं। बराक वैली में भी सूरत हाल अबतर ही है, यहाँ बड़ा इलाका ज़ेर आब है। शिलोंग, हिलाकंडी और करीमगंज जिले में सैलाब ने शदीद नुकसान पहुँचाया है। कई इलाकों में पानी घरों की छतों को छू रहा है। इंतजामी और फिजाइय की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूर उफ्तादा इलाकों में मुतासरीन के खाने पीने की अशिया के लिए भी दिक्कतें देखी जा रही हैं। सिर्फ शिलोंग में ही 2 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हैं। आसाम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक रियासत भर में सैलाब से 40 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हैं। 1,000 से ज़्यादा रिलीफ कैंपों में लाखों अफराद पनाह लेने पर मजबूर हैं। सैलाब और उससे जुड़े वाकयात में अब तक 115 से ज़्यादा अफराद की हलाकत की खबर है। और चलिए नाज़रीन, हम रुख करेंगे सीधे हमारे साथी बिपुल वर्मन का। बिपुल, हम आपसे जानना चाहेंगे आज वहाँ पर फ्लड की क्या कुछ सिचुएशन है, स्पेशली रिलीफ कैंपों के ताल्लुक से बताइए। देखिए, अभी असम में हम लोग का आउट ऑफ 34 डिस्ट्रिक्ट 30 डिस्ट्रिक्ट में फ्लड हो गया। और ये जो फ्लड है, इसमें ज़्यादातर आपका नुकसान हुआ है आपका बराक वैली में, जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है फ्लड के लिए। और इसमें असम का जो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा, वो एरियल व्यू किया था आपका बराक वैली में। स्पेशली जो बराक वैली का बात आपने बोल रहे हैं, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है। एक तो हो गया कासार, दूसरा हो गया हाइलाकंडी और तीसरा हो गया करीमगंज। तो उसमें आपका ऐसा हो गया कि हम लोग का जो असम से आपका बराक वैली जाने के लिए, बराक वैली भी असम का आपका 3 डिस्ट्रिक्ट ही है, लेकिन उधर में जाने के लिए आपका रोड दूसरा अल्टरनेटिव रोड नहीं है। हम लोग एक दूसरा स्टेट से जाना पड़ता है, वो मेघालय। तो मेघालय का रोड आपका जो लैंडस्लाइड के लिए काटऑफ हो गया था। तो बराक वैली में आपका कोई पेट्रोल का गाड़ी नहीं जा सकता है, कोई डीजल का गाड़ी नहीं जा सकता है, और पूरा बराक वैली आपका फ्लड है। तो अभी ऐसा रिलीफ कैंप बनाए हैं NDRF और SDRF, वो लोग घर घर में जाके खाना दे रहे हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर से भी खाना दे रहा था कल, लेकिन वो खाना पहुंचा नहीं था। पानी भी दिया था, और खाने मतलब पीने के लिए अभी पानी नहीं है। और लेकिन उसका बीच में आसाम में ऐसा हालत है कि आपका 30 डिस्ट्रिक्ट में अभी आपका रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपका ज़बरदस्त फ्लड है, और फ्लड के लिए आपका नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो गया। फिर उसका बीच में आपका महाराष्ट्र का पॉलिटिशियन लोग आके आपका गुवाहाटी में पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको लेके, लेकिन आसाम का जितना भी आम आदमी है वो लोग नाराज है। आसाम का आदमी लोग बोल रहा था कि आप लोग महाराष्ट्र का लेजिस्लेटिव असेंबली का पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में कीजिए, लेकिन गुवाहाटी में क्यों कर रहे हैं। देखिए, अभी जो बराक वैली का बात आपने बोल रहा था, उधर में हम लोग का कोई अभी रास्ता भी जाने के लिए नहीं है, और खाना भी नहीं पहुंचा है, रिलीफ भी नहीं पहुंचा है। चीफ मिनिस्टर भी गया था, मैंने बोला हेलीकॉप्टर में लेके एरियल व्यू भी किया था, लेकिन जैसे भी हेल्प करना चाहिए हेल्प नहीं किया। उधर में जो तृणमूल कांग्रेस का MP है सुष्मिता देव, उसने भी मांग किया है कि जल्दी का जल्दी रिलीफ कैंप में सही है। यस जी बिपुल, एक और आपसे इंफॉर्मेशन चाहेंगे, जो वेदर की सिचुएशन है उसके लिए क्या कुछ कहा गया है। वेदर देखिए, अभी जैसे 5 दिन का पहले तो इधर बहुत जबरदस्त बारिश दे रहा था, लेकिन अभी बारिश नहीं है, फिलहाल बारिश रुका है। लेकिन जो हम लोग का मेन इशू है नॉर्थ ईस्ट में,
जो जितना भी आपका सोता सोता डैम है और बोरा डैम है वो डैम के लिए हम लोग का बहुत नुकसान हुआ है। अभी लोकतक का जो डैम था हाइड्रो प्रोजेक्ट का, वो डैम का पानी सोरने से, और मिजोरम का डैम है, मेघालय का भी डैम है, तो ये डैम से पानी सोरने का सोर दिया, इसीलिए आपका बोराक वैली में तीनों डिस्ट्रिक्ट, कासार डिस्ट्रिक्ट, आप हाइलाकांडी और करीमगंज, 15 आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है और 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें आपका जबरदस्त आपका फ्लड हुआ है। आप ऐसा भी नहीं कि एक घर में पानी है, तो आपका बेहद शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए, और आगे भी वहां की सिचुएशन पर हमारी नजर बनी हुई है। विपुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए।